मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान 2031 का जो ड्राफ्ट आया है उस पर इतनी आपत्तियां आ गई हैं कि इन्हें देखते हुए कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान पर फिर अड़ंगा लग सकता है, मास्टर प्लान फिर से एक बार रुक सकता है। इस मास्टर प्लान में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि वीआईपीस के निर्माण जो बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में हैं वो वैध हो जाएंगे और उसके अफसरों ने कलम की बाजीगरी दिखा दी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग नियम प्रस्तावित कर दिए और यही विवाद की वजह बन गया है। देखिए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा की ये रिपोर्ट। यह है भोपाल का बड़ा तालाब। बड़े तालाब के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में कई सारे निर्माण है जो कि अवैध है। हाल ही में बड़े तालाब के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में हुए अतिक्रमण को लेकर एप्को ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के बाद भोपाल के मास्टर प्लान 2031 का जून के महीने में ड्राफ्ट जारी हुआ, लेकिन ड्राफ्ट जारी करते हुए अफसरों ने अपनी कलम से खेल कर दिया। सारे वीआईपीस के जो अतिक्रमण हैं उनके लिए नियम शिथिल कर दिए। मसलन प्रस्तावित प्लान में बड़े तालाब का ZOI यानी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग निर्धारित कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में ये 250 मीटर है, यानी तालाब से 250 मीटर के एरिया तक जितने निर्माण है वो सब अवैध हो जाएंगे और शहरी क्षेत्र में ये 50 मीटर प्रस्तावित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 50 मीटर के दायरे में जितने निर्माण हैं वो अवैध होंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भेदभाव लगता है कि भाई है तो चीज एक ही, फिर ये एक जो FTL वाला कि निर्माण 50 मीटर तक नहीं हो सकता और ग्रामीण में 250, क्योंकि वहाँ गरीब जनता गरीब किसान रहती है, तो एक अन्यायपूर्ण बात हुई। यही वजह है कि 30 जून तक भोपाल के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर आपत्तियां देना थी और इस ड्राफ्ट को लेकर थोकबद 2950 आपत्तियां आई और ज्यादा आपत्तियां जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के दायरे को लेकर ही है। खुद हुजूर विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति दर्ज की है। रामेश्वर शर्मा ने साफ कहा है कि इस ड्राफ्ट को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। इस तरह का जो प्लान जारी किया है ये अधिकारियों की लापरवाही है, अनदेखी है। इनने बड़े या कुछ धनाढ्य लोगों को लाभान्वित करने के लिए शायद मास्टर प्लान बनाया है। ये गरीब किसान मजदूर और खासकर भोपाल में रोजगार खड़ा करने वाला मास्टर प्लान नहीं है, इसलिए इस मास्टर प्लान पर हमने आपत्ति व्यक्त की है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि मास्टर प्लान 500 किलोमीटर का बनाने की बजाय 50-100 किलोमीटर का जोनल प्लान बनाइए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा खजूरी की आबादी क्या है। दरअसल बड़े तालाब पर हुए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को लेकर अफसरों ने कैचमेंट शब्द को खत्म करते हुए जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बना दिए, जबकि वेटलैंड रूल्स कहते हैं कि कोई भी बदलाव करने के लिए सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना था। रजिस्ट्रेशन होता तो पब्लिक हियरिंग होती और इससे बचने के लिए ये अलग आदेश निकाल दिया, लेकिन इसे लेकर भी पर्यावरणविद सुभाष पांडे हाईकोर्ट में याचिका लगा चुके हैं। अभी जब मास्टर प्लान आया है तो मास्टर प्लान के प्रारूप में ये लिखा हुआ है कि 16 मार्च का मध्य प्रदेश शासन का जो आदेश है वो मास्टर प्लान का हिस्सा होगा। मैंने एक आपत्ति तो लगाई कि चूंकि ये जो लेटर है अपने आप में पहले से ही विवादास्पद है और मैंने उसको रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में केस लगाया है, इसीलिए इस पत्र को इसमें शामिल ना किया जाए क्योंकि उससे भोपाल का कैचमेंट जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई बात बचेगी नहीं, एग्जिस्टेंस जो है खतरे में है। अब बड़े तालाब के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में अलग अलग नियमों को लेकर जो आपत्तियां आई हैं उनका निराकरण किया जाएगा, लेकिन आपत्तियां इतनी ज्यादा हैं कि इनके निराकरण में काफी समय लगेगा और जिस तरह से ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग नियम के चलते विवाद बढ़ा है उससे लगता है कि इस नए ड्राफ्ट पर भी अड़ंगा लग सकता है। उज्जैन के मास्टर प्लान में सिंहस्थ मेला क्षेत्र की जो जमीन आवासीय कर दी गई थी उसका लैंड यूज नहीं बदला जाएगा, यानी ये कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड ही रहेगी। सरकार ने आदेश आज जारी कर दिया है और इसे उच्च शिक्षा मंत्री और उज्जैन दक्षिण से बीजेपी विधायक मोहन यादव के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उज्जैन में सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीन में से 185 एकड़ को लैंड यूज बदल कर अलग कर दिया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि इस 185 एकड़ में 29 एकड़ जमीन उच्च शिक्षा मंत्री और उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक डॉक्टर मोहन यादव, उनकी फर्म पत्नी सीमा और नगर निगम सभापति कलावती यादव और लीलाबाई यादव जो उनकी बहन है उनके नाम पर दर्ज है। कांग्रेस ने दस्तावेजों के साथ ये आरोप लगाए थे, ये भी बताया था कि दस्तावेजों के मुताबिक कुछ जमीन पर इनके नौकरों के भी नाम हैं। आरोप ये लगा कि रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 में बदलाव किया गया है। सिंहस्थ के इस
रिजर्व जमीन का लैंड यूज कृषि से बदलकर आवासीय कर दिया गया है ताकि यहां निजी कॉलोनियां डेवलप हो सकें। और आरोप ये भी लगाया गया कि मंत्री के लिए ही मास्टर प्लान करीब 2.5 साल तक अटका रहा। इसके अलावा शक्करवासा, सावराखेड़ी और दाऊदखेड़ी जैसे गांवों की ज़मीनों के भी लैंड यूज़ बदल दिए गए। सिंहस्त मेला क्षेत्र की ज़मीन के लैंड यूज़ बदलने को लेकर कांग्रेस के साथ उज्जैन उत्तर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन ने भी आपत्ति दर्ज की थी। अब सरकार ने मास्टर प्लान का लैंड यूज ना बदले जाने को लेकर आदेश जारी किया है। ये मोहन यादव के लिए एक तरह से झटका ही है।